मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मन हो पूरी पूरी कैपिटल बर्बाद करने का मार्केट में, तो वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं ये तरीके आपको बता दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाओगे। अभी क्या होता है, आप कैपिटल सेफ्टी के बारे में सोचते हो, आप ये सोचते ही नहीं हो कि यार पूरी पूरी कैपिटल बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पर अब मैं जो तरीके बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने अगर 100% अपना कैपिटल एक ऑप्शन की ट्रेडिंग में लगा दिया और वो पास हो गई, तब तो पैसे बन गए। फेल हो गई तो क्या हुआ, जीरो, पूरा पैसा खत्म। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। एक तरीका हुआ, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाया, ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं है, आपने जाकर के एंट्री कर ली, बेबी स्टॉक आपके फेवर में भागा एंड ऑप्शन भी आपके फेवर में भागी, बट बायर सेलर नहीं था, आप निकल नहीं पाए, एग्जिट नहीं कर पाए। आप जब एग्जिट करना चाहते थे तो प्रॉपर बायर नहीं था, आपने कई बार प्राइस वहां पे पुट किया, डिस्काउंट में बेचने की कोशिश करी, 100 रुपए की ऑप्शन थी, 90 रुपए की बेचने की कोशिश की, 80 रुपए की बेचने की कोशिश करी, लेकिन बायर ही नहीं आया। क्या हुआ फिर, आपने सोचा यार कभी तो आएगा और हो सकता है स्टॉक और बेटर प्राइस पे चला जाए, तब आ जाए ऑप्शन पर, बायर नहीं आया। अब क्या हुआ, फिर वो स्टॉक गिरने लग गया एंड वो ऑप्शन जीरो पे आ गया। ये क्या हुआ, एक और तरीका हुआ ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म करने का। आपने जानबूझ करके नहीं खत्म करी, बट क्योंकि आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते थे, आपने बुक नहीं किया, हो गया जीरो। अब ये तो चलो अनफॉर्चुनेटली अनलकी होने की वजह से हुआ। सपोज करो जो आपने टारगेट सोचा है वो आएगा और आ गया, ठीक है, 5 times सोचा था ऑप्शन, 5 times हो गया, फिर कुछ रिवर्सल आया, ठीक है, मगर आप सोच करके बैठे थे नहीं यार मैं 7 times लेने के लिए इस ट्रेड में एंटर किया था, 7 times पे निकलूंगा। अब देखो यार मल्टीपल ऑप्शन होती तो शायद आप कुछ यहाँ पे बुक कर पाते और फिर 7 times पे भी कुछ बुक कर लेते, बट क्योंकि एक ही ऑप्शन थी। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, और आपकी कैपिटल भी दुर्भाग्यवश में भी 20,000 की या 25,000 की है, जिसमें कि वो एक ऑप्शन खरीदा था आपने, अब वो ट्रेड रिवर्स हो चुका है एंड अब आप अभी भी यही सोच रहे हो कि यार 7 times पे निकलूंगा, 5 times आ रहा था, अभी 4 times आ रहा है, 4 times ले लूंगा। फिर क्या हुआ, 3 times रह गया, फिर 2 times रह गया, फिर जितने पे खरीदा था उतने पे आ गया, अभी भी लेकिन आप वही सोच के बैठो नहीं यार उतने पे ही बुक करूंगा 7 times पे, और फिर वो जीरो हो गया। क्या हुआ, देखो जो 5 times मिल रहा था वो नहीं मिला, 7 times जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, सोचा ये था कि ये होगा या कुछ होगा वो नहीं हुआ। अब आपको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कैपिटल छोटी है और आपने 100% या कह लो बड़ा प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल लगाया उसी ट्रेड में, तो अब यहाँ पे अगर आप नहीं बुक करोगे तो आप पूरी कैपिटल का रिस्क ले रहे हो ना, पूरी कैपिटल को बर्बाद करने की बात कर रहे हो ना। बात क्या कर रहे हो, कर दी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद में एक और तरीका बता रहा हूँ कैपिटल बर्बाद करते हैं कैसे लोग, सारा का सारा पैसा एक ही ऑप्शन में लगा देंगे। पैसा बहुत है, मान लो 5-10 lakh की कैपिटल है उनकी। अब पहली बात तो ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी दिक्कत ये है कि एक ही ऑप्शन में, जैसे ऐसे एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए इन्वेस्टिंग में, तो ऐसे ही एक ही ऑप्शन में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। अब दोनों ही गलतियां आपने कर दी, तो सीधी सी बात है यार वो 5 lakh हो, 10 lakh हो, 1 crore हो, 20 crore हो, 50 crore हो, वो डूबने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो, और कई सारी दिक्कतें होती हैं, कई सारी गलतियाँ होती हैं। देखो कुछ लोगों की, अब जैसे मैंने बताया कि अपने फुल कैपिटल लमसम या बड़ा पार्ट ऑफ द कैपिटल वो एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है ऐसे लोगों का, वो स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं ऑप्शन में, और मान लो चलो ऑप्शन बहुत अच्छी लिक्विड भी है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि ये जो ओवरनाइट मार्केट बंद होकर के अगले दिन खुलेगी, अगर आपने पोजीशन कैरी कर ली तो ये ओवरनाइट रिस्क, जिसकी वजह से आप सही से सो नहीं हो पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप उसी दिन बुक करने की भी कोशिश करोगे या उस दिन भी आप ट्रेड को जितना कर सकते हो होल्ड करने की कोशिश करोगे, आपका मन हर समय डरा रहेगा। क्यों डरा रहेगा, क्योंकि अब आप क्या है कि आपकी पूरी कैपिटल स्टेक पे, और अब आप स्टॉप लॉस लगाओगे और कहीं गलती से अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो 100% की जो कैपिटल है कम से कम 80% पे तो आएगी। तो यहाँ पे क्या किया, फिर आपने वही रिस्क लेकर के अपनी कैपिटल को स्पॉइल करना या बर्बाद करने वाला स्टेप उठा लिया, ठीक है। जब यार आप किसी पौधे को सही से बढ़ने का टाइम नहीं दोगे और उससे एकदम से फ्रूट्स एक्सपेक्ट करोगे, नहीं मिलने वाले, ठीक है, नहीं मिलने वाले। इस केस में आपने क्या करना था, आपको अगर कन्विक्शन था कि यार मेरा टारगेट पूरा हो गई तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना था, ठीक है। अगर ऑप्शन में यार ऑप्शन खुद अपना प्राइस स्टॉप लॉस है, आप अगर क्वांटिटी को इतना रिड्यूस कर देते कि स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाती, क्योंकि आप जानते हो जीरो से नीचे जा नहीं सकते। अगर ये कर लिया होता, 50 ऑप्शन खरीदने की जगह एक � 3-4 खरीदी होती 50 की जगह, तो यार आप उस ट्रेड को बड़े आराम से कैरी कर ले जाते, ओवरनाइट रिस्क भी आप झेल जाते, एक दिन का नहीं 10 दिन का झेल जाते, पूरी एक्सपायरी आप ट्रेड कर लेते, होल्ड कर लेते एंड वो आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाता। मगर प्रॉब्लम क्या थी कि हमें तुरंत कैपिटल को मल्टीप्लाई करना था, तुरंत रिजल्ट चाहिए था। एक और तरीका होता है, ये थोड़ा सा सर्विस क्लास पे अप्लाई करता है या बिजनेस क्लास पे भी अप्लाई करता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास सैलरी एवरी मंथ आ रही होती है,
और इनकी कैपिटल 20,000 ही रहती है हमेशा। तो इनकी कैपिटल सबसे ज्यादा बार इन्हीं की कैपिटल बर्बाद होती है, क्योंकि 20,000 होती है और अगले महीने फिर से आ जाती है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बार बार वो 20,000 कैपिटल बार बार बर्बाद होती है, बार बार ये ले आते हैं, ये नहीं सोचते कि यार अब तक नेट में मैंने कितने का नुकसान कर दिया, ठीक है। तो ये तो मैं कहूंगा कि ये लोग थोड़े फॉर्चुनेट है, बिकॉज इनकी एक्चुअल में जो फुल कैपिटल हो सकती है वो इनको एक बार में मिली नहीं, तो इस वजह से इन्होंने हर बार वो अमाउंट जो इनको मिला एज अ सैलरी इन्होंने बर्बाद किया। अब प्रॉब्लम इन लोगों के लिए ये है, ये रियलाइज जिस दिन कर लें, मतलब अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप भी ये रियलाइज करो कि यार मे बी आज आप यंग हो, मे बी आज आपकी 25 साल एज है, 30 साल 35 साल एज है, आपको सैलरी मिल रही है, आप ये सोच रहे हो कि बुढ़ापे तक कमाने वाले हो, अच्छी बात है, बट बीच में कहीं रिसेशन आ गया, कहीं जॉब चली गई, तब क्या करो। मेरे को एक याद है, बंदा कंपनी में काम करता था, उसने क्या हुआ था, लोगों से अपने साथ के जो कलीग्स थे उनसे भी उधार ले लेता था, उसकी इंटेंशन कोई खराब नहीं थी, बट वो उधार लेकर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, और वो बताता था प्रॉपर कि सी से कोई स्टॉक का नाम था, मेरे को नहीं याद आ रहा, कैनकटा इलेक्ट्रिसिटी का या कोई था, उस स्टॉक में उसने पैसा लगाया था और कह रहा था कि अभी 30% के नुकसान पे हो, वो उस पैसे की बात कर रहा था जो लोगों से उसने उधार लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप समझो कि अपने पैसे से पहले तो काम करना चाहिए था, ठीक है, और दूसरों से उधार लेकर के जो काम किया वहाँ पे गलती है, एंड तीसरी चीज़ कि यार जब तक सीखो नहीं समझो नहीं तब तक किसी चीज़ में लगाना नहीं चाहिए। एक बार उसे सही से बना रहा होता पैसे, तब वो पैसे लेता लोगों से तो लगाता, तब तो ठीक था, लोगों की सुनकर कि लोगों ने पैसा बनाया मैं भी बना लेता हूँ, और मैं भी बना लेता हूँ केवल अपने ही पैसे से नहीं बाकी सबसे भी लेकर के, बहुत बड़ा रिस्क है। अब यहाँ पे जो 30% ऑफ द कैपिटल लॉस हुई, ये पूरी टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस बंदे की सैलरी तो शायद 30,000 थी, मगर उसने 2,00,000 रुपए लगाए हुए थे बाकी सब लोगों से उधार लेकर के भी, तो यहाँ पर एक्चुअल में उसकी कैपिटल तो गई और उल्टा नेगेटिव में वो बैठा, क्योंकि अभी सबके उधार भी बांटने हैं। सेम चीज आपके साथ होती है जब आपको ब्रोकर आपका लेवरेज दे देता है 4x 5x जो भी आपको कैपिटल के अगेंस्ट में दे देता है कि इतना आप बाय कर सकते हो। वहां पे आप समझो कि मान लो 1,00,000 का अकाउंट है, आप लोग आपको 5,00,000 का खरीदने को दे दिया, अभी मार्केट अगर 10% से आपके स्टॉक डाउन होते हैं, मे बी डिलीवरी है, ठीक है, 10% से अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है, 50,00,000 पे 10% है 50,000, आपका पोर्टफोलियो कितना था, 1,00,000 का था, मतलब 1,00,000 एक्चुअल कैपिटल थी, क्या हुआ 50,000 डाउन, मैं 50,000 50% कैपिटल डाउन, 85,000 बचा। ये सिचुएशन ना आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप समझो, लेवरेज नहीं करना है। लेवरेज आप कर सकते हो बट ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे कि आप अमाउंट भी बहुत छोटा सा लगाओगे, ना कि लोगों से उधार लेकर के आप पैसे लगाओ जाके, यार पहले अपने पैसे से तो प्रूफ कर लो, छोटे पैसे से तो प्रूफ कर लो, उसके बाद में करो ना जाकर के ये चीज। आपके हिसाब से मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उनका क्या रिलेवेंस है, नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा वाला पॉइंट आपको सबसे जबरदस्त लगा, एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। मैं रुचिर गुप्ता साइन ऑफ कर रहा हूँ फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।